जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में वो टूटते जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, वो इससे से उड़ते उड़ते आखिरी में जाते हैं नदी के किनारे जाके साइड में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, यहाँ पे जाके वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमस। और इस तरह से जो होते हैं वहाँ पे दिस पार्टिकल्स गेट मिक्स्ड विद डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यही पार्टिकल जो होते हैं किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। और जो वो पानी में जो प्रेशर से जो होते हैं पृथ्वी में जो सॉयल गया था रॉक्स गए थे वही जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे वो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर टाइप्स ऑफ सॉयल। टाइप्स ऑफ सॉयल, सॉयल के कितने टाइप होते हैं, तो नॉर्मली वी से दैट द रॉक्स टाइप्स सॉयल इज मेनली थ्री टाइप। रॉक्स सॉयल के कितने टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप, सैंडी सॉयल, क्ले सॉयल एंड लोम। यस, सैंडी सॉयल, क्ले सॉयल एंड द लोम। तो सैंडी सॉयल फर्स्ट में डिस्कस अबाउट द सैंडी सॉयल। सैंडी सॉयल वी से दैट दे कांट होल्ड द वाटर टू मच बिकॉज़ दे हैव द मोर स्पेस इन बिटवीन। देखो सैंडी सॉयल में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होती है एयर जिसके अंदर से पास हो जाता है और वाटर जो होता है उसके अंदर वो नहीं रोक पाता है। जब भी उसके अंदर पानी गिरता है तो वो नीचे से जो होता है बहते हुए निकल जाता है। यस, दे कॉल द सैंडी सॉयल। एंड देन द सैंडी सॉयल ओनली द प्लस सॉयल द ओनली अ फ्यू प्लांट, मतलब कुछ ही प्लांट उग पाएंगे, वो भी बहुत ही कम प्लांट्स जो होते हैं वो सैंडी सॉयल में उग पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसको वाटर ही नहीं मिल पाता है जिससे अच्छे से, जिसकी वजह से दे कांट बी ग्रो वेल इन द सैंडी सॉयल। नेक्स्ट वन इज ए क्ले सॉयल। क्ले सॉयल इज ए गुड सॉयल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को उगाने के लिए जो होता है क्ले सॉयल जो होता है अच्छा माना गया है। फॉर एग्जाम्पल वीट एंड राइस, वीट एंड राइस की खेती जो होती है क्ले सॉयल पर की जाती है। क्यों, क्योंकि उससे जो होते हैं उससे उसकी फसल जो होती है बहुत ही अच्छे से उगती है। और क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो पानी को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, पानी को अपने अंदर रोक कर रख सकता है, जो प्लांट्स को जरूरी है जिससे जो है प्लांट कैन इजली ग्रो। आप वहाँ जाते हुए तो आपने नोटिस भी किया होगा जहाँ पे आपकी गेहूँ या चावल की खेती की जाती है वहाँ की आप सॉइल देखें टच करके उसको कहते हैं क्ले सॉइल। यस, नेक्स्ट वर्ड है द सॉइल आर आल्सो कॉल्ड एज द स्टिकी सॉइल। सॉइल को स्टिकी सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज लोम। लोम इज ए मिक्सचर ऑफ ए सैंड एंड क्ले। लोम सॉइल जो होता है वो किस चीज का मिक्सचर है, सैंड और क्ले का मिक्सचर है, जिसको कहा जाता है लोमी सॉइल। एंड दे हैव द बोथ वाटर एंड एयर दे कैन बी ग्रो। देखो लोमी सॉइल में ये होता है कि वो वाटर और मिनरल्स दोनों को अपने, वाटर और एयर दोनों को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। यस, इट इज द आइडियल सॉइल, एक अच्छा सॉइल कहा गया है इसको, किसको, लोम, बिकॉज द ग्रोथ इज द वेरी गुड। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बढ़ने की जो वो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि दे हैव द ह्यूमस, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होती है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है जो ईजली दे कैन बी ग्रो, अच्छे से उसकी ग्रो हो पाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर यूजेस ऑफ सॉइल। यूजेस ऑफ सॉइल, सॉइल का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ऑलरेडी प्लांट्स को ग्रोथ होने में वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट,
सेव करके रखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं।